नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल रास्ता में। आज हम जानेंगे कि पेटेंट क्या होता है, ये कैसे आपके गुड्स या इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है एंड इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो बेसिकली पेटेंट एक किस प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आप किसी भी ऑनर को उसके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी सर्विस प्रोसेस या इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और ओनर या कोई और इंडिविजुअल पर्सन उसका मिसयूज ना कर सके या विदाउट उसकी परमिशन के उसको यूज ना कर सके। सो पेटेंट में दोस्तों हमारे पास एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म होता है जिसको हम फिल करके सबमिशन करते हैं, जो आपको एनेबल करता है कि आपका जो इन्वेंशन है उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। सो दोस्तों पेटेंट एक निर्धारित टाइम पीरियड एक समय के लिए होता है जिसमें हमारे पास दो तरीके के पेटेंट होते हैं, एक परमानेंट पेटेंट एंड एक होता है आपका टेम्पररी पेटेंट। तो परमानेंट आपका 20 सालों के लिए वैलिड होता है, आफ्टर 20 इयर्स आपको रिन्यूअल कराना होता है, एंड टेम्पररी आपका सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो पब्लिकली ओपन हो जाएगा, कोई भी उसको क्लेम कर सकता है। तो प्रोसेस ये रहता है हमारा, अगर आप अपनी इन्वेंशन को लेकर अपनी सर्विस को लेकर या अपने प्रोसेस को लेकर श्योर हैं कि आपका पेटेंट यूनिक एंड अदर जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की या उस पर्टिकुलर प्रोसेस की उससे यूनिक है, तो आप उसको पेटेंट सर्च के थ्रू चेक करवा सकते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट या इन्वेंशन पेटेंटेबल है या नहीं, वो पेटेंट हो सकता है या नहीं। ये आपको सिक्योरिटी देगा कि आपका जो प्रोसेस है आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेंट हो पाएगा या नहीं, और दूसरी चीज़ ये आपको कोस्ट कटिंग भी करेगा, मींस अगर आप डायरेक्टली पेटेंट फाइल कर देते हैं एंड किसी भी रीज़न की वजह से या मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होने की वजह से वो पेटेंट नहीं हो पाता है तो आपका जो अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट चार्ज होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है या वो आपका वेस्ट जा सकता है। लेकिन अगर आप पेटेंट सर्च करवा लेते हैं तो आप श्योर हो जाते हैं एंड आप आगे अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं कि आपको पेटेंट करवाना है या एक साल के लिए करवाना है टेम्पररी या परमानेंट पेटेंट करवाना है। बाकी इसमें हमारे एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम जो प्रोसेस है पेटेंट का वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है 4 ईयर्स, जिसमें एक साल से लेकर 4 साल तक का टाइम लग जाता है। सो आप इसमें एक अर्ली पब्लिकेशन का ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें पेटेंट की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ती है और जो एग्जामिनर्स होते हैं इस पर तेजी से काम करते हैं जिसका एक नियमित पीरियड होता है 1 से 2 साल। लेकिन अगर आप विदाउट अर्ली पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन करते हो तो इसका टाइम पीरियड 1 से 4 साल हो सकता है आराम से। इसके अलावा लेकिन अगर आप किसी भी प्रोसेस को या इन्वेंशन को यूज करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में रहते हुए तो आपको उस पर्टिकुलर ऑनर से या इंडिविजुअल पर्सन से परमिशन लेनी होती है। लीगल परमिशन देने के बाद ही आप उस प्रक्रिया का उस प्रोसेस का या उस इन्वेंशन का अपने पर्सनल यूज या अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो पेटेंट कराने का मेन पर्पस इसको सिक्योर करना होता है लीगली, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई थर्ड पर्सन इसका मिसयूज करता है विदाउट उनकी परमिशन के यूज करता है तो उनके ऊपर प्रॉपरली लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो हम एज अ लीगल रास्ता एक CACS फर्म आपकी प्रॉपर तरीके से इस पेटेंट प्रक्रिया में सहायता करते हैं, एंड कोई भी अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी एंड प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। बाकी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।